પાણી ની ડોળ ભરી ના પરિયા ને ક્યાં લઈને આવે ડોળ? પાણી કા ડોળ ભરી લાવ, બે ડોળ ભરી ના આવો તો પરિયા. ઇસમે સે આધા તાગરી ખાદર ડાલ લો. કિતના નીચે સે નિકાલ કે લાયો, મિટ્ટી મિક્સ હો જાતા હે, એસા ખાતર નહીં લે ગયા. ડાલ દો આધા, ઉસકે ઉસકે આધા તાગરી ડાલ દો ઇસમે. ઇસમે આધા ઓર ડાલો, ઓર ડાલ દો બસ. पूरा पूरा मिक्स कर दो इसको. ज्यादा खट्टा नहीं करना है, इसी में रहने के खतरे नहीं, उसको जमाना है ना. सुनो, जम जाएगा. थोड़ा ऊंडा लगाओ, मेरी बात सुनो. इतना ऊपर नहीं लगाना, ऊपर लगाओगे ये पाड़ा है ना, ऐसे मुड़ जाएगा. पूरा गोथरी निकाल दूँ तो उसका. हाँ, बैठ के फाड़ लो ना आराम से. चलो ती माँ, थोड़ा पैर से दाब दो इसको, कन्हैया मिट्टी लगाओ बाजू में. हल्का सा मिट्टी और करो. दो डोल पानी डाल दो. एक तगारो जो है आपको दो खड्डों में डालना है, ऐसा है, आधा आधा करके बिल्कुल ऐसे मिलाना है, मिट्टी में बिल्कुल मिक्स हो जाए इस तरीके से. हो आराम से रख के फाड़ो ना. जी थन किद्दो तो किद्दो ली बहना ने कह दे थे लेना आवे બે. ખાતરેડો ભરીને આવતા રહે, દૂર થી પાણી ડાલનાર. મોટો ભરીને આવે પણ નોને ભરીને આવો, ખાતર અને બાતર જોઈએ હે. વો તો એક હી વાત હે સર, આપ લગા લેના અબ. હા
है ना। नहीं, सावधानी पूर्वक इसे ऐसे निकालो, धीरे धीरे जड़ ना टूट जाए इसका। ठीक, इस प्रकार से अगर जड़ चला गया तो समझो आपका रोपा चला गया, ऐसा है। एक दो रोपा आप भी लगाओ अपने हाथों से। हमारे हमारे सर सुपरवाइजर ने कई रोपा लगा के बता दिया आपको, 4 से 6 रोपा लगा के बता दिए। इसको अच्छी तरह से पैरों से खून देना, दबा देना है। हमारी जमीन जो है वो गीली नहीं होती है, पानी डालते हो इसे फिट होगी। ये तो कल मत डालो, परसों डाल दो, नहीं तो डेली डेली डालो दो डोल। ठीक है, और सांझे को डालना है 7 से 8 बजे के बीच में, दोपहर में पानी नहीं डालना है इसके अंदर। दो दिन बाद पानी डालते रहो। अगर ये लगा दिया होता ना तो अब तक ये कब का ग्रोथ कर गया होता। ये आप लगाओ, 1.5 महीने में मालूम रहता है आपको कितना रोपा बढ़ गया होता। और क्या ना, मेहंदी देख रहे हैं, मेहंदी मैंने छोटा छोटा दिया था, इसका कितना ग्रोथ हो गया। सावधानी से चलो, हट गया आराम से। अब इसको अच्छी तरह से दबाओ, वहाँ चलो आप। श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम। अब तो पूरा हो गया ना। हाँ हो गया ना, इसको इतना अंदर नहीं, अभी मिट्टी डालो ना इसके अंदर। मिट्टी डालो ना इसमें, और ऐसे क्या कर रहे हो, कुंडी जाएगी ना। नहीं नहीं, बाहर से मिट्टी डाल के साइड से मिट्टी लगाओ, साइड से। खेत में से ले लो मिट्टी, खेत में से ले लो, खेत में से। साइड साइड से मिट्टी लगाओ, उसको पैरों से थोड़ा दाब दो, मजबूत कर दो, दोनों पैर से घुस जाओ उसके अंदर। डाल दो पानी, पानी डाल दो इसके अंदर। पानी में घर है तो थोड़ा थोड़ा नॉन जो होता है ना, बीजे में लाइन आ जाओ। आज का डाला हुआ पानी कल सांझे डालना है आपको। ठीक है, डाल। ये एक एक बाटकी डालना है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, बाल्टी, बाल्टी डोल, डोल। एक डोल एक रूपा के अंदर डालना है, ये वाला बड़ा वाला है। लहरू जी पूर्वी, मैं रवि गांव का रहने वाला हूँ, और ये जो मैंने चंदन के जो रोपे लगाए हैं वो पारस बायो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी कंपनी से लेकर लगाए हैं, ग्वालियर से। हाँ, तो आपको रोपा लगाने से हमको कोई अच्छा बेनिफिट मिलेगा, और इसकी अगर ये चीज़ बढ़िया है तो हमने अभी तो थोड़ा कम लगाया है, लेकिन 1-2 साल में हम ज़्यादातर लगाएंगे और उसको धीरे धीरे आगे और बढ़ेंगे, और उससे काफ़ी उम्मीदें हमें जुड़ी है इससे। खड्डा करवाने, बावेतर करवाने के लिए सुपरवाइजर आपके पास आया? हाँ, आया था सुपरवाइजर, उन्होंने अपने हाथों से लगवाए हैं रोपे और पूरी मुआवजत हमको दिखाई है, उन्होंने किस तरीके से लगाना है, उसको किस तरीके से पानी देना है, वो पूरी डिटेल हमको समझाई। और अभी तक आपने जो रोपा लिया इसका ग्रोथ आपने देखा कैसा हुआ? नहीं, ग्रोथ वैसे अच्छा ही बढ़ा है। ऐसा है? हाँ। कितना महीना हुआ अभी आपको? शायद 1.5 महीना हुआ। आपका मोबाइल नंबर शू है? मेरा मोबाइल नंबर है 99098-63-265, गाँव रविधाम है।
धानेरा तालुका गांव रविधाम जिला बनासकांठा ओके उत्तर गुजरात थैंक यू।